माँ भद्रकाली दरबार कमशार घाटी बागेश्वर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। उससे पूर्व आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति उपस्थित थी। कथा व्यास डॉक्टर योगेश जोशी ने बताया कि हिंदू रीति के अनुसार जब भी कोई पूजा होती है या कोई शुभ काम होता है, तब मंगल कलश की स्थापना अनिवार्य होती है। कलश यात्रा में काफी संख्या में क्षेत्रीय जनता भी उपस्थित थी। अपने वल्ला पल्ला कमशार की जनता को, भक्तजनों को जी माँ की तरफ से आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि माँ के मंदिर में भागवत कथा हर साल एक एक आयोजन होते रहे और सभी लोगों के घर में शांति सुख मिले। और माता से विनती करता हूँ कि हमारा जो ये श्रीमद् भागवत कथा है, बहुत सुंदर ढंग से इसको पूर्ण कर देगी। माँ भद्रकाली की जय जी। समस्त आप देख रहे हैं मान्यवर जी जी, समस्त हमारा जितना जनसैलाब यहाँ उभरा हुआ है और जिस तरह के लोगों की यहाँ पर माँ के प्रति आस्था है, सब माँ की सबकी कृपा बने रहे और माँ के ऊपर लोगों की आस्था बनी रहे। मैं सबसे पहले कांडा कमशार का धन्यवाद करता हूँ। बहुत सुंदर, उन लोगों ने सब लोगों ने मिलकर ये भागवत कथा कर रहे हैं और हर साल इस कथा को, भागवत कथा को हर साल ये कंटिन्यू करते जा रहे हैं। और ये माननीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भंडारी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मेरे को फ़ोन करके वहाँ से बुलाया है और मैं आया हूँ। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है यहाँ पर आने का और मैं सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। माता भद्रकाली माता सबको आशीर्वाद दे और अच्छी तरह हमारा भागवत पूर्ण हो। काली माता मुझे अपना शीश नमोनो जी। बहुत व्यासपीठ शीश नमोनो और पाँचों ब्राह्मण जो व्यासपीठ शीश नमोनो। बहुत मातृशक्ति थे मेरे प्रणाम। देखा हमारी देव भूमि की दे बोला नहीं था क्योंकि ये देवों की भूमि था। अगर यह हमारा वक्त वक्त पर ये कार्यक्रम नहीं होला तो ये देव भूमि नहीं रही। मैं तो चाहता हूँ कि जन भंडारी आपने विशेष प्रणाम कर दूँ कि ई प्रथा से आप खूब ऐतर बढ़ान और हर साल रखें। और कोशिश मैं भी करूँ कि अगर धपोला जा रहा तो मैं जरूर ये बात मैं बोल सकता हूँ। बाकी सबूत है मेरे नंबर।